मंच पर यहाँ विराजमान यादव समाज के सभी प्रबुद्धजन, यहाँ बैठे युवा साथी, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत पुरानी मांग है और समाज के सभी प्रबुद्धजनों ने समय समय पर इस मांग को उठाया है, लेकिन आपसे इतनी कहना चाहूंगी कि 18 नवंबर 1962 की सुबह 5 बजे का वो समय जब हमारे यादव समाज के वो वीर योद्धा उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सामने से 4000 सैनिकों ने जब गोले बारूदों के साथ ऊपर हमला किया तो उन्होंने पीछे हटने की बजाय जो कड़ा मुकाबला किया, जो नेतृत्व किया, जो अपने साहस और शौर्य का परचम दिया, वो गाथाएं हम सबके सीने में एक साहस की अनुभूति देती है। उन 120 सैनिकों में से 114 का शहीद हो जाना, 5 का घायल होना और अकेले शैतान सिंह का वापस आना, मेजर शैतान सिंह का, ये हमारे अहिर रेजिमेंट की मांग बेजामला युद्ध से है। याद कीजिए उन वीर गाथाओं को जो हमने हमारे समय समय पर हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में पढ़ी है। हमारे अंदर वो हौसला और जज्बा होना चाहिए, हमारे समुदाय के लिए हमारे अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए, हमें हर लड़ाई को लड़ने का हक और अधिकार होना चाहिए। अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हमारा अधिकार है। जब सेना के अंदर जाट, सिख, राजपूत, महार, गोरखा, डोगरा जैसी रेजिमेंट बनी हुई है तो अहिर रेजिमेंट बनना हमारा वाजिब अधिकार है। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। मैं तो यहाँ उपस्थित सभी वीर अहिर समाज के, इस अहिर वाल क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं और इसके साथ ही अन्य समाजों के भी प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि एकजुटता से ये लड़ाई हमें लड़ती है और एकजुटता से हम सरकार से अपने अहिर रेजिमेंट की मांग रख रहे हैं और जिस तरह से समय समय पर हम ये लड़ाई लड़ते आए हैं, आज हमें फिर से एकजुटता से एक साथ सबको खड़ा होना है और एक साथ खड़े होने से अधिकार और स्वाभिमान की इस लड़ाई को नए आयाम देने हैं। हम हमारी सरकार से, हमारे मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय से भी हम मांग करते हैं कि यादवों की इस मांग को बहुत गौर से फरमाते हुए हमारी इस मांग पर वो जल्द से जल्द फैसला ले और जो अभी भाई साहब ने बताया कि 23 मार्च को हमें एक बड़ा आंदोलन करना है और उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है तो हम सब 23 मार्च को एक साथ दिल्ली चलेंगे और हमारे हक और अधिकार की इस लड़ाई के लिए हम एकजुट एक मंच पे होंगे। जब लड़ाई अपने समुदाय के लिए लड़ी जाती है, जब समाज के लिए लड़ी जाती है, मैं तो यही कहती हूँ ये वो क्षेत्र है जहाँ की माताओं ने हर दूसरे तीसरे घर में किसी बच्चे से आप खुद के देख क्या बनना है, पहला जवाब होता है मुझे सेना में जाना है। हमारा इस राज क्षेत्र में, हमारे उत्तर भारत के अहिरवाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैनिक हमारी भारतीय सेना में है। हम देखते हैं सबसे ज्यादा शहादत हमारे क्षेत्र में होती है, हमारा दिल, हमारा गला धुंधला जाता है जब हमारे भाइयों की अर्थना आती है, उन माताओं की कोख उजड़ जाती है, उन बहनों की मांग से सिंदूर उजड़ जाता है और पूरा पूरा का पूरा राज क्षेत्र, पूरा का पूरा अहिर वाल क्षेत्र जब उनके सम्मान में, उनके अंतिम संस्कार में खड़ा होता है। परमवीर चक्र या शौर्य चक्र की बात की जाए, समय समय पर हमारे यहाँ के सैनिकों ने उचित सम्मान लिया और हमारे इस अहिर वाल क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, हमें गर्व से हमारा सीना जोड़ा हुआ है। तो उन त्याग और बलिदान की धरती पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी हमें जरूरत है एकजुटता की और एकजुटता से हमारे हक और अधिकार के हमें लड़ना है। जब अन्य रेजिमेंट बन गई, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो कुछ चीजें कुछ जनजातियों को ऊपर उठाने के लिए बनी थी, चाहे जाति के आधार की बात करें, आरक्षण की बात करें, लेकिन वोट बैंकों की राजनीति को देखते हुए ये सारी चीजें लंबी चली आ रही है। तो हमारे क्या वोट में इतनी ताकत नहीं है, क्या हमारी भुजाओं में इतना बल नहीं है कि हम अपनी ताकत को दिखा पाए और हमारे भुजाओं के इसी बल और हमारी ताकत से ही हमें हमारे अहिर रेजिमेंट
सहयोग की, आप सबके नेतृत्व की जरूरत है। तो त्याग और बलिदान की इस धरती पर, भाइयों ने बहुत समय के लिए पहले ही कहा है, तो त्याग और बलिदान की इस धरती पर मैं आप सबसे, हमारे उन माताओं को, उन बहनों को, सबको प्रणाम करते हुए दो पंक्तियों से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। हर एक उसका बच्चा यही कहता है, माँ मुझे सैनिक बनाओ। इसी में अगर हम देखें तो राव तुलाराम जी का जो बलिदान है, पांच अंग्रेजी हुकूमत को जिस तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवाया, अंग्रेजी हुकूमत के जिस तरह से उन्होंने छक्के छुड़वाए, उसे भी हम भुला नहीं सकते। उन्होंने पराजय को स्वीकार नहीं किया और अंतिम समय तक 5,000 वीर योद्धाओं के साथ वो लड़ाई लड़ते रहे, इसको भी हम कभी भुला नहीं सकते। तो उन सभी के वीर साहस को याद करते हुए, उन्हें नमन और प्रणाम करते हुए, हम सबको एक साथ एक एकजुटता से इस लड़ाई को लड़ना है। हर बच्चा अपनी माँ से यही कहता है, माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। आज मैं सुनना चाहता हूँ मैं परियों की कहानी, आज मुझे मत कहो माँ, था एक राजा एक रानी, वीर राणा की सिवा की शक्ति तुम मुझे जगा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। जो उठाए भूल कर भी आंख मेरी मातृभूमि पर, जो बढ़ाए भूल कर भी पैर वीरों की प्रभु पर, मैं उड़ा दूं शीश उसका, वह मुझे कौशल सिखा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। जय हिंद जय भारत।